Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve check your progress from chapter 8 percentage and its applications of class 7 ML Agrawal. Description में आपको maths playlist link मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप मेरे सारे maths के सारे ही videos को one by one देख सकते हैं. तो चलिए हम start करते हैं question 1 से. Question 1 है convert following percentage into fraction in the simplest form. Clear? तो ये आपका फ्रैक्स परसेंटेज दे रखा है, इसे हमें फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं. तो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. 12 एंड 1 बाई टू इक्वल टू, तो 12 टू जार 24 एंड 1 25. तो इसका फ्रैक्शन हमारा बन गया 25 बाई 2%. तो यहाँ हमें परसेंटेज का साइन है, क्वेश्चन में परसेंटेज का साइन दे रखा है. तो हमने क्या पढ़ा था कि परसेंटेज का अगर आपको साइन हो ना तो उसे मैं 100 आप नीचे रखना. ये छोटा सा ट्रिक है, ये याद रखना आप, है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा. तो हम इसे लिख लेंगे 25 बाई 2. परसेंटेज का साइन है इसलिए ये परसेंटेज यानी कि 100, तो 100 नीचे आ जाएगा. क्लियर? तो अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं. तो देखिए 25 1 जार 25 25 4 जार 100, तो इज इक्वल टू 1 बाई 8. ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है, 1 बाई 8 सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया. इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन 66 एंड 2 बाई 3%, इसे जब हम इम्प्रॉपर में बनाएंगे तो ये हमारा हो जाता है 200 बाई 3%. क्लियर? अब इसे परसेंटेज का साइन है तो 100 नीचे लिख लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 200 बाई 3 इंटू 100. क्लियर? अब यहाँ देखिए दोनों जीरो से ये दोनों जीरो डिवाइड, तो हमारा बच गया 2 बाई 3. तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 एंड 1 बाई 3%. तो फर्स्ट इसका इम्प्रॉपर बना लीजिए. तो ये होगा 8 3 जा 24 एंड 1 25 25 बाई 3%. ठीक है, नाउ 25 बाई 3 परसेंटेज है का साइन दे रखा है, तो इसलिए ये परसेंटेज का मीन्स 100 होता है. ठीक है, और जब साइन हो परसेंटेज लगा हुआ हो तो 100 नीचे आ जाएगा. अगेन हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 24 5 4 जार 100, तो इज इक्वल टू 1 बाई 12. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज. ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपका एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज. तो फर्स्ट हमारा 5 बाई 8. ठीक है, तो इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसका हम लिख लेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 5 बाई 8, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें परसेंटेज निकालने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 यहाँ ऊपर आ जाएगा. ये हमेशा आप ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में परसेंटेज का साइन दे रखा है तो 100 नीचे लिखेंगे. क्लियर? और साइन नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में साइन नहीं है परसेंटेज का, ठीक है, और परसेंटेज हमें निकालने हैं, तो यहाँ पे 100 ऊपर चला जाएगा. तो हमेशा आप ये ध्यान में रखना. अब हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 4 2 जार 8. ठीक है, और इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 25. ठीक है, 25 4 जार 100 होता है. नाउ 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 125 बाई 2. अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 125 को, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 66 एंड 1 बाई 2%. ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया 5 बाई 8. अब सेकेंड देखते हैं 13 बाई 40, तो इसे भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं, तो ये भी हम लिख लेंगे 13 बाई 40 मल्टीप्लाई 100. 100 ऊपर आ गया है. अब 0 से 0 डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जार 4 2 5 जार 10 10, तो ये हो गया 13 5 जार 65, तो इज इक्वल टू 65 बाई 2%. अब हम 2 से 65 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 32 एंड 1 बाई 2%. इसी तरह से थर्ड वन इज 7 बाई 6 इज इक्वल टू 7 बाई 6 मल्टीप्लाई 100. अब यहाँ हम डिवाइड कर लेते हैं 2 3 जार 6 2 5 जार 10 एंड 0. क्लियर? अब देखिए 50 मल्टीप्लाई 7, तो 7 5 जार 35 एंड ये 0, 350 बाय 3. अब 3 से 350 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 116 एंड 2 बाई 3%. ये हमारा आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 3 इज एक्सप्रेस फॉलोइंग परसेंटेज एज अ डेसीमल. ठीक है, अब इसे हमें डेसीमल में कन्वर्ट करने हैं. तो अब यहाँ देखिए परसेंटेज का साइन है, तो हमने क्या पढ़ रहा सीखा भी, परसेंटेज का जब भी साइन हो तो परसेंटेज का 100 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा. तो इसका हम लिख सकते हैं 122 बाई 100 इज इक्वल टू, डेसीमल में देने हैं 20 है, तो
राइट हैंड साइड से टू डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 पॉइंट, यानी कि आ जाएगा हमारा 1.22। ये हमारा इसका आंसर हो गया डेसिमल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.2% इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो गया 2.2/100। ठीक है, अब ये पॉइंट को हम हटाएंगे तो ये जीरो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 22/1000 इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए 30 ऊपर में टू डिजिट है, तो 1 2 डिजिट पहले हम 22 लिख लेते हैं, और 30 है तो 1 डिजिट और आने हो चाहिए, राइट हैंड साइड से लिखेंगे ना, 220 3 डिजिट आएगा यहाँ पे पॉइंट, और ये 0 एक और आ जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 0.022। क्लियर। नाउ क्वेश्चन थर्ड, 3 and 1/8। फर्स्ट इसे इम्प्रॉपर हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया 25/8। तो पहले इम्प्रॉपर में लिख लेते हैं 25/8%। अब हम इसे फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25/8, परसेंटेज का साइन है तो 100 नीचे। अब इसे रिड्यूस कर दीजिए, 25 1 जा 25 25 4 जा 100, तो ये हमारा हो गया 1/32। ठीक है, अब 32 से जब आप 1 को डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आ जाता है 0.03125। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। एक बार मैं आपको इसको डिवाइड करने का तरीका सिखा दे रही हूँ, तो देखिए इसे हम कैसे डिवाइड, 1/32 यानी कि 32 से डिवाइड करने हैं, तो जैसे देखिए यहाँ हमने लिख लिया 32। ठीक है, 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो एक पॉइंट आ जाएगा, तो एक जीरो आ गया। अभी भी ये 32, यहाँ 10 ही है, हमें 1 डिजिट और चाहिए, तो फर्स्ट हम यहाँ एक जीरो लेंगे, देन पुट 0। ठीक है, अब ये 100 हो गया, 32 से अब 100 को डिवाइड कीजिए तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 32 3 जा होता है 96। अब इसे हम माइनस करेंगे, 4 डेसिमल हम लगा रखे हैं तो अगेन एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हम 32 है तो 1 टाइम में डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा, जब 32 माइनस किया तो 8 आ गए, अगेन 1 0। ठीक है, अब 32 2 जा 64 64 से माइनस करेंगे, जब ये माइनस करेंगे तो आ जाता है 1 6, और डेसिमल का है ये तो अभी भी छोटा है, तो 1 0। ठीक है, अब यहाँ 32 5 जा 160 होते हैं। क्लियर, तो हमारा ये आंसर हो गया 0.03125। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज, एक्सप्रेस 0.0345 एज अ परसेंटेज। अब ये जो डिजिट हमारा दे रखा है इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्लियर, तो जब परसेंटेज निकालने हमें तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे हम लिख लेंगे 0.0345 × 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो हमें तो पॉइंट हटाने हैं, तो जब हम पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, एंड पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो नीचे 401 लिख करके उस पर 40 लगा देंगे, और ये 0 हमारा फिनिश। क्लियर, तो हमारा क्या बच गया, तो ये हमारा हो गया, स्टार्टिंग के 0 की वैल्यू होती नहीं तो ओनली 345 बच गए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 345 × 100/10000। ठीक है, अब यहाँ पे हम 0 से 0 डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 रिड्यूस हो गया, तो अब ये क्या बच गया, ये हमारा बच गया 345/100। ठीक है, 100 तो इज इक्वल टू, अब हमें डेसिमल में लिखा परसेंटेज, अब हमें इसका परसेंटेज में निकालना है ना, तो 345/100% इज इक्वल टू 3.20 है, इसलिए 3.45, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 3.45%। क्लियर, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो 5:6:9 टू अ परसेंटेज। ये आपको रेशियो दे रखे हैं, इन रेशियो के ईच पार्ट को है ना, हर एक पार्ट का हमें परसेंटेज निकालने हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे, तो हम लिख लेंगे सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू, ये रेशियो हमारा है, इनका सम करना है, तो 5+6+9 इज इक्वल टू 20। अब हमारा रेशियो का टोटल निकल गया, तो अब हम इन पार्ट्स का परसेंटेज निकाल लेंगे, तो हम लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ पार्ट फाइव ऑफ द रेशियो, है ना, रेशियो के पार्ट फाइव का परसेंटेज इज इक्वल टू, ये 5 हमारा और रेशियो का टोटल 20 है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, और परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तब यहाँ देखिए 0 से 0 डिवाइड, 2 5 10,
तो ये हमारा हो गया 25%। इसी तरह से 6 का निकाल लेंगे तो परसेंटेज ऑफ पार्ट 6 ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 5/20 × 100। तो ये हमारा हो गया 25 × 100। ये 6 है ना, हाँ यहाँ 6 लिखेंगे, 6/20, तो 6×5 = 30 इज इक्वल टू 30%। क्लियर? नाउ परसेंटेज ऑफ पार्ट 9 ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 9/20 × 100। अब 25 × 100, 9×5 = 45%। इस तरह से तीनों ही रेशियो के तीनों ही पार्ट्स का हमने परसेंटेज निकाल दिया, 25%, 30% और 45%। नाउ क्वेश्चन सिक्स, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे इज हाफ एन आवर, मीन्स हाफ एन आवर, हाफ आवर है ना, हाफ आवर यानी कि 1/2 आवर। तो 1/2 आवर वन डे का कितना परसेंट है? क्लियर? तो इसे हम बना लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे हाफ एन आर इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एन आर यानी कि 1/2 आवर, ठीक है। एंड वन डे में कितने आवर होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो आर इन अ डे, तो वन डे में 24 आवर होते हैं, तो ये तो अब हम सब जानते हैं, है ना, हम सभी को पता है। तो ये हमने लिख लिया 24 आवर। अब इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे। देयरफॉर परसेंट इज इक्वल टू, अब ये हमारा है 1/2 एंड ये 24, तो ये लिख लेंगे 1/2 × 24 और परसेंट में निकालने यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे। नाउ 2 से 100 को हम रिड्यूस कर देंगे, तो देखिए 2 × 5 = 10 and 0 = 50। अगेन 2 से रिड्यूस करेंगे, तो 2 से 50 करेंगे तो आ जाता हमारा 25, एंड इस 24 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो 12 × 24। तो ये हमारा हो गया 25/12, तो लिख लेंगे 25/12। क्लियर? इतना परसेंट इज इक्वल टू, अब 12 से 25 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाता है 2 and 1/12%, ठीक है। तो हाफ एन आवर वन डे का 2 and 1/12% होता है। क्लियर? नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज व्हाट परसेंटेज 3/4 meters ऑफ 4 and 1/2 meters, ठीक है। तो 4 and 1/2 meters का है ना मीटर, 3/4 meter का कितना परसेंट है, ठीक है। तो इसका हम परसेंटेज फिर निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेंगे परसेंट इज इक्वल टू, तो ये हमारा 3/4, तो हम लिख लेंगे 3/4 × 4 × 8 and 1 9/2, तो नीचे आ गया 9/2, ये इज इक्वल टू यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे परसेंट, क्योंकि जो हम डिवाइड का ये जो साइन देते हैं ना इसके सामने इक्वल टू होना चाहिए, इसलिए हमने ऐसे कट करके दोबारा लिख दिया। क्लियर? मल्टीप्लाई, इसे हम परसेंट निकालने हैं तो 100% मल्टीप्लाई करेंगे इसे। अब इसे हम फिर से लिख सकते हैं 3/4 × अब देखिए ये साइन के नीचे फिर से फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला नंबर ये ऊपर आ जाएगा और नीचे का नीचे ही रहेगा। तो 9/2, तो 2 ऊपर आ जाएंगे एंड ये 9 नीचे, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे, तो देखिए 2 × 2 = 4, 2 से 100 रिड्यूस कीजिए तो ये हो गया हमारा 50। अगेन 3 × 3 = 9, ठीक है। तो इज इक्वल टू 50/3%। अब 3 से जब हम 50 को रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 16/2/3%, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 7 इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द डिक्रीज परसेंट, ठीक है। पॉपुलेशन टाइम का है ना, एक टाउन का पॉपुलेशन दिया हुआ है कि 25,000 पहले था, वो उससे घट करके 24,500 हो गया, तो हमें डिक्रीज परसेंट जो कम गया उसका हमें परसेंटेज निकालने है। क्लियर? तो फर्स्ट हम डिक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल लेते हैं कि कितना पॉपुलेशन कम गया। तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,000, जो डिक्रीज हुआ उसे माइनस कर देंगे, तो ये हो गया इज इक्वल टू 500, ठीक है। यानी कि 500 पॉपुलेशन कम गया। अब इस 500 का हमें परसेंटेज निकालने हैं, तो हम लिख लेंगे डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू 500 का निकालना है, तो 500 बाय
टोटल पॉपुलेशन 25,000 टोटल है, तो यहाँ लिख लेंगे 25,000 मल्टीप्लाई, अब परसेंटेज हमें फाइंड करने हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो से जीरो को डिड्यूस कीजिए, इस जीरो से ये एक जीरो, नाउ 25 2 जा 50, तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 2%। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज, अरुण बॉट अ कार फॉर ₹35 लाख, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 37 लाख, व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज इन द प्राइस। जैसे क्वेश्चन 7 में हमें डिक्रीज परसेंट निकालने थे, तो अब यहाँ हमें इंक्रीज परसेंट निकालना है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सीपी ऑफ कार, फर्स्ट हम लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार इज इक्वल टू ₹35 लाख। ठीक है, नेक्स्ट ईयर प्राइस ऑफ कार ₹37 लाख। ठीक है, तो अब हम इंक्रीज प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि 35 लाख से बढ़कर 37 लाख हुआ, तो कितना बढ़ा, बढ़ना यानी कि इंक्रीज कितना हुआ, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लिख लेंगे ₹37 लाख माइनस ₹35 लाख। ठीक है, तो इसे हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ₹2 लाख। क्लियर। अब हम इसका इंक्रीज का परसेंटेज निकालने हैं, तो हम निकाल लेंगे परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू, या इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू, तो इंक्रीज कितना परसेंट हुआ, 20,000 है, तो लिख लेंगे हम 20,000 बाय, ठीक है, पहले कितना था 35,000, तो हम लिख लेंगे 30, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, इसीलिए वो लिखेंगे 35 लाख मल्टीप्लाई 100, परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ ये जीरो से जीरो रिड्यूस कर दीजिए, तो देखिए 1 2 3 4 0, ये 4 0 नीचे से फिनिश। ठीक है, तो यहाँ हमारा बच बन क्या गया, अब ये 5 यहाँ 100 डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 की टेबल से 5 2 जा 10 एंड ये 0, 5 2 जा 10 एंड ये 0, ये 20 25 जा 100 होते हैं, तो 20 से ये डिवाइड एंड ये 5 7 जा 35, तो 5 से 35 एंड 100 डिवाइड, अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया 22 जा 40, तो लिख लेंगे हम 40/7 इज इक्वल टू, अब 7 से जब हम 40 को डिवाइड कर देंगे तो हो जाता है हमारा 5/5/7%। ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 9 इज, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज हैज डिक्रीज्ड बाय 6%। ठीक है, एक विलेज का पॉपुलेशन 6% डिक्रीज हो रहा है, ओरिजिनल पॉपुलेशन वाज 3650, देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज। ठीक है, पॉपुलेशन 3650 था, इसमें से करा कि 6% डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ उसे सॉल्व कर लेंगे, तो 6% कितने में से डिक्रीज हो रहा है, 3650 में से, तो हम लिख लेंगे पॉपुलेशन डिक्रीज इज इक्वल टू 6% ऑफ 3650, क्योंकि 3650 ओरिजिनल पॉपुलेशन था, तो इसका हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 6%, परसेंट का साइन है 6%, तो परसेंट कहाँ जाएगा, नीचे, तो 6/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड ये नंबर 3650। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे, तो देखिए 0 से 0 डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 2 की टेबल से 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, नाउ इस 5 से 365 73 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, तो अब 73 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 219। ठीक है, तो देखिए ओरिजिनल पॉपुलेशन 3650 था एंड रिड्यूस होने के बाद रिड्यूस कितना हुआ, 219 लोग कम गए। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज, डिक्रीज होने घटने के बाद पॉपुलेशन क्या था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल पॉपुलेशन में से जितने नंबर कम गए उनसे माइनस कर लेंगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3650 माइनस 219, जब इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 3431। क्लियर, तो पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज क्या हो गया, 3431, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 10 इज, 43% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर गर्ल्स, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 1482, फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। अब यहाँ देखिए टोटल बॉयज का नंबर दिए हुआ हमें 1482 एंड गर्ल्स का परसेंटेज दिया है 43%, तो फर्स्ट हम
परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकालेंगे, है ना, 100% में से 43% माइनस कीजिए करेंगे तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम वो इतना कर लेते हैं, फिर हम टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 43%, देन परसेंटेज ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा, तो 100 में से 43% को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 43 इज इक्वल टू 57%। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आ गया, 57%। ठीक है, एंड नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ बॉयज़ 57% एंड नंबर ऑफ बॉयज़ दिया हुआ आपको 1482। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो लेट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 57% है ना टोटल स्ट्रेंथ का, 57% बॉयज है जो कि 1482 है। तो हम वही लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 57% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ को हमने x माना है, तो लिख लेंगे ऑफ x इज इक्वल टू 1482। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 57/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1482। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू, अब जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 1482। तो हम लिख लेंगे 100 मल्टीप्लाई 1482 बाय 57, नीचे आ जाएगा 57। अब हम 57 से जब 1482 को रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है आपका 26 टाइम में डिवाइड हो जाएंगे। तो 100 मल्टीप्लाई 26 इज इक्वल टू 2600। क्लियर, तो हम लिख लेंगे हेंस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज इक्वल टू 2600। ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज, इसमें हमें नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा जा रहा है स्कूल में, तो इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ। तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल स्टूडेंट, ये हमारा 2600 आया है। तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 2600 माइनस नंबर ऑफ बॉयज 1482 है ना, टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ बॉयज़ को हम माइनस कर देंगे 1482 इज इक्वल टू। ठीक है, जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 1118 गर्ल्स, है ना, 1180 गर्ल्स ये स्कूल में। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया। रोहन बॉट अ कैलकुलेटर फॉर ₹760 एंड सोल्ड इट फॉर ₹874, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। क्लियर, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमने लिख लेंगे सीपी ऑफ कैलकुलेटर, ₹760 गिवन है, सेलिंग प्राइस ये भी गिवन है ₹874। तो अब हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हमने माइनस कर लिया 874 माइनस 760, 874 सेलिंग प्राइस है, 760 कॉस्ट प्राइस है, माइनस करने पे आ गया हमारा ₹114। अब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं, ये भी निकालने हैं, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट इंटू 100 बाय सीपी, है ना, इसे प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 पीछे हमने सब सम सीख रखा है ना। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारा आया 114, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 114 मल्टीप्लाई 100% बाय कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हमारा 760, तो यहाँ हम लिख लेंगे 760। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे, तो जीरो से जीरो रिड्यूस हो गया, अब 2 5 10, 2 से 76 को हम रिड्यूस करेंगे तो देखिए 2 3 6 18 एंड 2 8 16। ठीक है, 2 3 6 16, 2 8 16, हाँ तो 5 and 38। अब 38 से 114 को हम रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 3 times में, तो हो गया हमारा इज इक्वल टू 5 3 15%। क्लियर, ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 12 इज ऑन सेलिंग एंड
ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1027, ठीक है, 1027 ये सेलिंग प्राइस हो गया। मीना सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹273, लॉस ₹273 हो गए। फाइंड हर लॉस परसेंटेज, ठीक है, तो हमें इसका लॉस परसेंट निकालना है। तो आपके पास यहाँ सेलिंग प्राइस एंड लॉस दिया है, ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस एंड लॉस दिया होता है और सेलिंग परसेंटेज निकालने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकलेगा तभी हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू गिवन है, लॉस इज इक्वल टू गिवन दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस एंड लॉस है दिया, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारा ₹1027 प्लस लॉस है हमारा 273, ठीक है। इन्हें प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारा ₹1300, ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो अब हम इसका लॉस परसेंट निकाल लेंगे, देयरफॉर लॉस परसेंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100, ठीक है, जो प्रॉफिट परसेंट में होता है। फॉर्मूला आप जरूर अच्छे से लर्न कर लेना, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, लॉस परसेंट में लॉस बाय CP इंटू 100, क्लियर। तो इज इक्वल टू लॉस आया हमारा कितना है 273, तो 273 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय कॉस्ट प्राइस आया है 1300, तो नीचे हम लिख लेंगे 1300। अब यहाँ पे हम जीरो से जीरो को रिड्यूस कर देते हैं, 13 से 273 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये हमारा डिवाइड हो जाता है 21 टाइम्स में, तो ये हमारा आंसर हो गया इज इक्वल टू 21%। नाउ क्वेश्चन 13 इज, बाय सेलिंग अ फैन फॉर ₹710 अ ट्रेडर सफर अ लॉस ऑफ ₹40, ठीक है, एक सेलिंग फैन सेलिंग करने के समय, बेचने के समय एक है ना ट्रेडर को क्या होता है ₹710 उसका सेलिंग प्राइस है, तो ये ₹710 में जो वो फैन सेल करता है तो उसमें ₹40 का उसे लॉस होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, तो हमें इस कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। अब कह रहा है एट व्हाट प्राइस दिस फैन शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 10%। अब पूछ रहा है कि कितने प्राइस में इस फैन को बेचा जाए जिससे कि 10% का फायदा हो, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से अब फिर से मैं एक बार समझा रही हूँ। कह रहा है कि जो ट्रेडर को है ना 710 रुपीज़ में फैन सेल करता है तो उसमें उसे ₹40 का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें कॉस्ट प्राइस निकालने हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलिंग प्राइस माइनस लॉस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो यहाँ पे लॉस इसे 40% हो रहा है, तो पूछा जा रहा है कि इस फैन को हम कितने में बेचें जिससे हमें 10% का गेन हो, प्रॉफिट हो, ठीक है। तो आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ फैन ₹710, लॉस इज इक्वल टू ₹40, ये हमारा गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है तो हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, SP सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए 710 प्लस 40, तो ये हमारा हो गया ₹750, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि गेन की बात की जा रही है ना, कि 10% गेन हो रहा है, तो लिख लेते हैं इफ अगर गेन 10% है, गेन इज इक्वल टू 10%, तो जब गेन 10% होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस हमें क्या हमें निकालना है इसमें, व्हाट परसेंट शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू, अच्छा तो हमारे सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस पूछने हैं कि 10% गेन के लिए क्या सेलिंग प्राइस होने चाहिए, ठीक है। तो हम लिख लेंगे फॉर्मूला इसके लिए SP इज इक्वल टू, तो एक्सरसाइज 8.3 में हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला है ना, जब आपके पास गेन हो या गेन परसेंट है ना, परसेंटेज में गेन हो या लॉस परसेंट हो या साथ ही SP या CP में से कोई एक हो है ना, तब हमें सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस है, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस का हम फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस गेन हमारा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ये फॉर्मूला हमने सीखा था 8.3 एक्सरसाइज, तो इसी के आधार पे हम निकालेंगे। तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करने हैं, तो सेलिंग प्राइस तो है नहीं, इसे एज इट इज छोड़ देंगे, तो कॉस्ट प्राइस ये आया हमारा 750, तो हम यहाँ लिख लेंगे 750 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा 10% दे रहा है, तो 10/100, तो ये हमारा हो गया 750, ठीक है, इंटू अब इसका 100, अब 100 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 100 100 1 जा 100 100
प्लस अब 100 से 100 डिवाइड किए तो 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किए तो 1000 प्लस 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई 110 बाय ये 100। अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे तो देखिए 0 से 0 डिवाइड, ये 0 से ये 0, तो हमारा बच गया 75 एंड 11, है ना। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू रुपीज 825, ये हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ फैन इज इक्वल टू, ये आंसर हमारा आंसर हो गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 14 इज अ शॉपकीपर सेल्स एंड आर्टिकल्स एट रुपीज 300, सेल्स कर रहा है यानी कि सेलिंग प्राइस 300, दस अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड प्रॉफिट 20% दिया है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स। क्वेश्चन सेम 13 की तरह है, 13 में हमें है ना प्राइस दिस फैन शुड बी सोल्ड, सेलिंग प्राइस पूछा था 10% के हिसाब से। फर्स्ट तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, उसके बाद क्वेश्चन था कि 10% गेन पे सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में हमें गेन दिया है प्रॉफिट ऑफ 20%, सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, और यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सेम टू सेम 13 की तरह बनेगा। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये एक्सरसाइज 8.3 में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे गेन था इसलिए यहाँ पे परसेंटेज का साइन, ठीक है, अगर आपको लॉस होता 10% तो हम क्या करते माइनस का साइन देते, क्लियर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। तो दो फार्मूला है ना, दो तरीके, दो मेथड हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.3 में, आई थिंक क्वेश्चन आपका था 10 और 11, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, उसमें हमने दो मेथड सीखा था, ठीक है। जब आपको परसेंट में प्रॉफिट दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, या कॉस्ट प्राइस दिया हो, या लॉस दिया हो, तब हम कैसे सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस फाउंड करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको थर्ड मेथड सिखा रही हूँ, एक तो आप यहाँ रिकॉल कर लिए, ठीक है, तो यहाँ एक और मेथड मैं सिखा रही हूँ आपको, दोनों में से जो मेथड ईजी लगे उसके उससे आप ध्यान में रखना और उस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक और ईजी मेथड है, देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट हमें दे रखा है, और कॉस्ट प्राइस निकालने हैं तो हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा बन जा रहा है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, परसेंट। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, ये एक नई टेक्निक है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर, टेक्निक तो पुरानी है, मैं आपको ये नया बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए सेलिंग प्राइस हमारा है 300, तो हम लिख लेंगे 300 मल्टीप्लाई बाई 100 बाय 100 प्लस, अब प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 20। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 100 बाय, पहले से ऐड करके लिख लेंगे 120। अब इसे रिड्यूस कर लीजिए तो 0 से 0 डिवाइड, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3 एंड 0, ठीक है। अब 4 से 100 को डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारा हो जाता है 25 4 जार 100, ठीक है, तो 25 एंड 10 बच गए, तो हो गया हमारे आंसर इज इक्वल टू रुपीज 250, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा ये भी काफ़ी इजी मेथड है, ठीक है, यहीं पे अगर लॉस होता तो हम यहाँ पर माइनस दे देते हैं, याद रखना प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे, लॉस में अगर होगा तो लॉस माइनस सॉरी 100 माइनस लॉस परसेंट, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 15 इज अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट रुपीज 320, सेलिंग प्राइस 320, दस सफरिंग अ लॉस ऑफ 20%, लॉस 20% हो रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। जैसे 14 किया वैसे ही 15 करेंगे, बस 14 में हमने प्लस का साइन दिया था, यहाँ हम उसी फॉर्मूले में माइनस का साइन देकर सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट हमने लिख लिया है सेलिंग प्राइस रुपीज 320 गिवन है, लॉस 20% गिवन है, फॉर्मूला हमारा क्या हो गया सी पी इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस 320 मल्टीप्लाई 100 बाय 100 माइनस लॉस हमारा 20, ठीक है। अब इस सॉल्व कर लेते हैं तो पहले हम लिख लेंगे 320 मल्टीप्लाई बाई 100 बाय, अब 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया 80। अब इसे रिड्यूस कर लीजिए तो 0 से 0 डिवाइड हो गए, 8 4 जार 32, तो इज इक्वल टू रुपीज़
हंड्रेड फोर चार 400, तो 400 ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया इसका आंसर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 16 इज इफ रुपीज 6000 इज बोरोड एट 6.5% पर एनम. ठीक है, तो ये हमारा 6000 रुपीज प्रिंसिपल हो गया, 6.5% पर एनम, तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ना, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ थ्री ईयर्स. थ्री ईयर्स टाइम हो गए, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने हैं एंड इसका अमाउंट भी निकालने हैं. ठीक है, लिख लिया प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू रुपीज 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 6.5% पर एनम, टाइम टी थ्री ईयर्स. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. अब यहाँ इसकी वैल्यू लिख लेंगे, प्रिंसिपल 6000 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 3/100. अब यहाँ देखिए इस पॉइंट को हम हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद वन डिजिट है, तो नीचे 10, तो ये आ गया हमारा 10. अब जीरो से यहाँ नीचे 3 जीरो है, ऊपर में 3 जीरो हमने डिवाइड कर लिया, तो अब हमारा क्या बच गया, 6 × 65 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, तो 6 × 3 = 18 मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू हो जाता है हमारा ₹1170. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया. अब हमें अमाउंट निकालने हैं, तो हम लिख लेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 6000, तो लिख लेंगे 6000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये आया हमारा, तो 1170 इन्हें प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाता है ₹7170. ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकल गया एंड ये हमारा अमाउंट हो गया. नाउ क्वेश्चन 17 इज हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹1860 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 9.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू अमाउंट ₹2449. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइम भी पूछा जा रहा है एंड सिंपल इंटरेस्ट भी हमें फाइंड करने हैं. ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हमें दे रखा है, तो जब प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा. देन रेट दे रखा है, तब हम इस फॉर्मूला से टाइम निकाल लेंगे. क्लियर, तो हम लिख लेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1860, अमाउंट ₹2449, देन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हमारा है 2449 माइनस प्रिंसिपल है 1860. तो इज इक्वल टू, जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाता है ₹589. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है, तो 9.5% है, तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए 9.5 पॉइंट को हमने हटा दिया, तो नीचे 10 आ गया 10. ठीक है, अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए 5 × 10 5 से 95 19 टाइम में डिवाइड होता है, तो इज इक्वल टू 19/2%. तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है, तो टाइम पूछा जा रहा है, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी फाइंड किया, 589 मल्टीप्लाई 100 बाय प्रिंसिपल हमारा है ₹1860, तो यही लिख लेंगे 1860 मल्टीप्लाई रेट आया हमारा 19/2. ठीक है, तो देखिए यहाँ 19 लिख लेंगे और 19/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2. अब इसे रिड्यूस कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ हम 0 से 0 रिड्यूस कर देंगे. क्लियर, अब 19 से 589 ये 31 टाइम में रिड्यूस हो जाता है. अब 31 × 6 = 186, नाउ 2 × 3 = 6, 10/3 हमारा बच गया, तो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 10/3 ईयर्स इज इक्वल टू, अब 3 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 and 1/3 ईयर्स. ठीक है, तो इज इक्वल टू ये हमारा हो गया 3 years 4 months. अब ये 4 months कैसे हुआ, देखिए 3 years तो ये आ गया 1/3 year, है ना, 1 year में कितने मंथ्स होते हैं, 12 months होते हैं, तो 12 months को 1/3, इससे 3 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 3 × 4 = 12, है ना, 4 हो गया 3 times, तो यही हो गया 1/3 years का मतलब 4 months, तो यही हमारा आंसर हो गया 3 years and 4 months. नाउ क्वेश्चन 18 इज
At what rate will ₹7200 fetch a simple interest of ₹3024 in 4 years? ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेट पूछा जा रहा है. प्रिंसिपल आपका दिया है 7200, सिंपल इंटरेस्ट ये हमारा हो गया, एंड टाइम दिया है. ठीक है, तो यही हम लिख लेंगे. प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट टाइम, ये गिवन हमारा. रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम. अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 3024, तो यही हम लिख लेंगे 3024 मल्टीप्लाई 100 बाय प्रिंसिपल है 7200 मल्टीप्लाई टाइम 4 ईयर्स, ये 4. अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए दोनों जीरो से, तो फर्स्ट हमने जीरो को डिवाइड कर दिया, अब 4 से 3024 को डिवाइड करेंगे तो आ जाता हमारा 756. नाउ 6 से रिड्यूस कीजिए 72 को, तो ये आ जाएगा 12, एंड जब इसे हम 6 से रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 126. अगेन 6 से डिवाइड करेंगे, 6 टू जा 12, एंड 6 से 126 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 21. तो ये हमारा गया 21 बाई 2, तो इज इक्वल टू 21 बाई 2. तो अब हम लिख लेंगे 2 से 21 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये हमारा आ जाता है 10.5%. ये हमारा इसका आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन 19 इज व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1155 इन 3 या 6 मंथ्स एट 11% पर एनम. अब यहाँ पे देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 या 6 मंथ्स. तो फर्स्ट 3 या 6 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 6 मंथ यानी कि हाफ ईयर हो गया. 12 ईयर टोटल होते हैं ना मंथ, सॉरी 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 का हाफ कितने मंथ हो गए, 6 मंथ. तो 6 मंथ इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स, तो 3 ईयर्स एंड 1/2 ईयर्स, ये हमारा ईयर्स में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिए हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, तो व्हाट सम ऑफ मनी यानी कि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल निकालने हैं. ठीक है, तो आइए इसे हम निकाल लेते हैं. तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रही हूँ. 19 लिख लेंगे, ए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹1155, रेट 11% पर एनम, टाइम 3 या 6 मंथ, तो इज इक्वल टू, तो ये तो हमारा 3 ईयर्स हो गया और 6 मंथ यानी कि 1/2 ईयर्स, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 1 7, तो 7/2 ईयर्स. तो यहाँ हम लिख लेंगे 7/2 ईयर्स, ये हमारा टाइम हो गया. तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 बाय रेट इंटू टाइम. अब इसमें इसकी वैल्यू पुट पुट कर दीजिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 1155, तो वही लिख लेंगे 1155 मल्टीप्लाई बाई 100 बाय रेट हमारा है 11%, तो 11 मल्टीप्लाई, अब देखिए टाइम हमारा 7/2, तो 7 यहाँ एंड 2 रेसिप्रोकल होकर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 2 यहाँ ऊपर आ गया. ठीक है, तो अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे, तो यहाँ हम देखिए 11 से 11.55 को है ना, 11 एंड 55 को करेंगे तो 11 1 जार 11, 5 नहीं होगा तो 1 0 आ गया, अब 55 तो 11 5 जार 55, तो 11 से जब 1155 को हम डिवाइड करेंगे तो आता है 105. नाउ 7 से 105 डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 15 टाइम में रिड्यूस हो जाता है. अब यहाँ देखिए हमारा क्या बच रहा है, 15 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 है ना, तो 15 2 जा 30 मल्टीप्लाई 100, तो हो गया हमारा इज इक्वल टू ₹3000, ये हमारा आंसर हो गया. नाउ दिस क्वेश्चन हैज कंप्लीटेड. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my video. Thank you.